चिंतन ऐसा है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक आज भी एक नई कृषि नीति के नाते आगे एक मंडी की नीति पूरी हुई है, इसी के नाते फसल बीमा योजना है और किसानों के प्रति और अधिक भावना को रखते हुए किसान सम्मान निधि है। इन बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि अंत में जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उसको उस किसी प्रकार का अभाव ना हो, उस अभाव को ध्यान में रखकर उनके लिए नीति बनाने का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को सहयोग मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के सहयोग से ही देश आगे बढ़ने वाला है। इस नाते से बहुत सारे लोगों को अन्न उपलब्ध कराना, उनके हर प्रकार सहकारिता भूमि को निभाने के लिए स्वयं सहायता समूह खड़ा करना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत खड़ा होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर है, उसको कला है उसके अंदर काम करने की, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल पाने के कारण वो अपनी कला के आधार पर, अपने हुनर के आधार पर रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता। उसको रोजगार पर शिक्षा रोजपरक रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम ये कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया है। सभी को आवास मिलना चाहिए, सभी के लिए आवास सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप भी हमको दिखाई देता है। सभी को योजनाओं का लाभ मिल जाए, इसलिए अंत्योदय मुद्रा योजना की छोटा सा छोटा व्यापार करने के लिए भी हर व्यक्ति लोन ले सकता है और इस लोन से अपने व्यापार को खड़ा कर सकता है। ऐसे बहुत सारी और भी अनेक योजनाएं हैं, इन योजनाओं को गिनवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। योजनाओं के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हम अपने राज्य का भी विकास करें। हम सबके बीच में उपस्थित हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी रावत जी, तो उनके नेतृत्व में आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में रोजगारों पर शिक्षा और रोजगारों से सीमित संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। रोजगार सबको चाहिए। इस कोरोना महामारी के बाद एक ऐसा चित्रण हम सबके सामने आया कि बहुत सारे अपने प्रदेश के नौजवान अपने प्रदेश में वापस लौट आए। वो प्रदेश में लौटकर वापस आए तो अपने रोजगार को छोड़कर आए, उनको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए और स्वराज अपने रोजगार के आधार पर अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। इस नाते से स्वरोजगार क्या हो सकते हैं, उसके नियमित आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके बीच में, अनेकों कार्यकर्ताओं के बीच में, मंत्रिमंडलों के बीच में और सचिव को साथ बिठाकर ऐसे अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया। और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आदरणीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हम ऐसा एक कार्यों को संचालन करने का स्वरूप हम अपने बीच में देखने को मिल रहा है। आज युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इन युवाओं का आत्मविश्वास ही इस देश और प्रदेश की उन्नति की और आगे बढ़ने के संकेत दिखाई देते हैं। हम सब जिस बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से उस बातों में से हम रोजगार के माध्यम से अपने जीवन जीने के स्तर को कैसे सुधार सकते हैं इनकी चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं का भी लाभ हम ले सकेंगे। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे अनेक योजनाएं हैं, चाहे वो फल संरक्षण का उद्योग का विषय हो, चाहे अपने प्रदेश में जड़ी बूटियों का उद्योग स्थापित करने वाला हो और अपने प्रदेश में स्थापित होटल और रिसोर्ट, ये व्यवसाय एक बड़ा व्यवसाय है। इस व्यवसाय में स्थानीय आधार से लेकर और ऊपर तक इसमें जुड़ते हैं। एक मौन पालन योजना के अंतर्गत छोटे छोटे कामों को लेकर हम उद्योग चलाने के लगे हैं। वहीं दूसरी ओर होम स्टे योजना के आधार पर हमारी अपने उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के व्यंजनों का लाभ लेने वाला एक विषय होम स्टे के माध्यम से हमारे ध्यान में आता है। मशरूम का उत्पादन हो, चाहे मसालों का उद्योग का है, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, ऐसे ये फराश ऐसे ही छोटे छोटे उद्योग दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये उद्योग हम सबको इस दिशा की ओर बढ़ाकर अपना उत्तराखंड ये स्वावलंबी बने, इस कारण से इन रोजगारों को उपलब्ध कराने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और आज जो युवा वर्ग हमारे बीच में जुड़ा है, उस युवा वर्ग ने भी इन रोजगारों को अपनाकर देश का सम्मान, देश में भारत
उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया है। उत्तराखंड में हम सब इन रोजगारों के माध्यम से अपने जीवन यापन को आत्मनिर्भरता बनाने की ओर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आने वाले समय में भी एक अच्छे उद्योग को निर्माण करने की भूमिका में आगे खड़े होंगे। आप सब आज जो इन रोजगारों को अपना रहे हैं तो वो आइडल के रूप में विकसित हो रहे हैं। ऐसे अनेकों लोग जो इस छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, आज वो युवाओं के आइडल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनके कारण आज उत्तराखंड की एक पहचान बढ़ती जा रही है और हम सबका सौभाग्य है कि उत्तराखंड इस ओर अपना आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। हमारे जो रोजमर्रा के कार्य दिनचर्या है, जब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से इन बातों की भी चर्चा हमको करनी ही पड़ेगी कि हमारी जो रोजमर्रा में दैनिक उपयोग में सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो वो हम स्थानीय उत्पादकों से ही खरीदें। केवल रोजगार उपलब्ध कराना और उस उत्पादक से जो चीजें उत्पन्न हुई है उनका उपयोग करना भी हमारे लिए प्रासंगिकता है। तो वर्तमान में हम अच्छा और रोजगार परक जीवन औरों को भी दे सकें, इस दिशा में हमको भी बढ़ना पड़ेगा। हमारे तीज त्योहार, हमारे उत्सव इस प्रकार के आते हैं जिन उत्सवों के माध्यम से हम उन उत्पादकों का निर्माण और उस उत्पादों का उपभोग, ये दोनों ही हम सब कर सकते हैं। इन बातों को लेकर हम अपने जीवन को और अधिक सुगम बनाएं। तो स्वाभाविक रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारों में समावेश था वो अंततः उदय का, यानी कि अंत में रहने वाले हर व्यक्ति उन सब सुख सुविधाओं से युक्त होना चाहिए जो सबको प्राप्त होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, आज वो एक विचार के रूप में हम सबके बीच में है। वो विचारों के माध्यम से हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, विचारों के रूप में हम सब उनके कही बातों का अनुसरण कर रहे हैं। आज जीवन किस ओर, किस दिशा की ओर जाना चाहिए इसकी हम प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रमों के माध्यम से एक विचार को जीने की तरीके को सबके साथ आत्मसात करती है, सबके साथ उन विचारों को साझा करती है कि अपना जीवन किस दिशा की ओर जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत व्यवहार ये भारत माता के प्रति समर्पित रहा है। आज जब भारत माता के प्रति हम समर्पित भाव को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन बातों की भी चर्चा होती ही है कि हम सब एक एकात्म रूप से इस भारत माता का आचरण विचार ये अपने व्यवहार में लाकर हम अपने इन बातों को लेकर एक दूसरे से आत्मसात करें। केवल सिद्धांत व्यवहार की बातें, केवल किताबी बातें ना रह जाए, वो व्यवहार में भी आए, उन व्यवहारों के स्वरूप में हम सब एक होकर आगे बढ़े। पहले भी कहते थे और आज भी वो प्रासंगिकता है कि जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का युवा इस ओर बढ़े कि मैं, मेरी दिशा क्या हो, मेरे काम का दृष्टिकोण क्या हो, मेरे काम की गति क्या हो। जब युवा इस दिशा की ओर बढ़ता है, इस दिशा की ओर सोचता है तो स्वाभाविक रूप से हम एक नई रचना के साथ खड़े होते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ विचार करने का सौभाग्य अवसर हुआ और हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके आदरणीय और विचार रखने वाले और हम सबकी को प्रेरणा देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित, और इस युवा समिट में हम सब उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो विचार हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के उपलब्ध होंगे, मेरा आप सबसे निवेदन है उन बातों को अनुसरण जरूर करिए, उन बातों की समीक्षा अपने जीवन में जरूर करिए और उन बातों को लेकर अपने जीवन की एक लाइन जरूर बनाइए, क्योंकि इस जीवन का भी एक लंबा अनुभव रहा है, वो सामाजिक जीवन में भी है और वो राजनीतिक क्षेत्र में भी है। तो दोनों ही जीवन का अनुभव हमारे बीच में उपस्थित है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहे बात हम सब के बीच में एक अनुसरण करने योग्य बातें हैं। उनका आग्रह भी इसी विषय को लेकर है कि आज का युवा एक दिशा तय कर आगे बढ़े। तो इस अंतोदय कार्यक्रम का एक स्वरूप हम सबको इन विचारों के माध्यम से देखने को आज मिल रहा है। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से आप सब जुड़े, आप सबका भी आभार, आप सबका भी धन्यवाद। और पुनः
इस टीम का भी आभार धन्यवाद जिन्होंने इसे अच्छे कार्यक्रम को करने के लिए, सफल आयोजक को करने के लिए इतना प्रयास किया है। आप सबको शुभकामनाएं बधाई देते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। वर्चुअल माध्यम से युवाओं से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है आज, और इसी मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत युवाओं से वर्चुअल के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से युवाओं से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को ये संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इसी मौके पर संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है जिसमें वर्चुअल माध्यम से युवाओं से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संवाद कर रहे हैं। युवा फॉर उत्तराखंड, YUVA फॉर उत्तराखंड, इस अकाउंट के माध्यम से आप सब जितने भी हमारे युवा साथी हैं सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद कर सकते हैं, उनको अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं इसमें कमेंट करके। इसमें आपसे अनुरोध है कि इसकी जो वॉल होती है उसको फ्लडेड ना करें, जो एक कमेंट इनबॉक्स का ऑप्शन होता है उसमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, एक ग्राउंड टू गवर्नमेंट फॉर्मेट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी परिकल्पना है जिससे वे युवाओं को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने में सहभागी समझते हैं, वे इस ट्विटर अकाउंट से हम जुड़ सकते हैं डायरेक्टली सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से। सो आपसे अनुरोध है युवा फॉर उत्तराखंड। आज हमारे मध्य हमारे कई युवा साथी उपस्थित हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, उसकी सीढ़ियां चढ़नी प्रारंभ कर दी है और उनसे हम संवाद करेंगे, उनका अनुभव कथन सुनेंगे। सबसे पहले हमारे मध्य कीर्ति नगर से, टीरी से अजय जी उपस्थित हैं। अजय पवार जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना विषय रखें। धन्यवाद मैम। माननीय मुख्यमंत्री जी, अजय जी, शेखावत जी, आप सबको सतत नमन। बाकी जितने भी भाई लोग आज इस सत्संग के थ्रू हम सब से जुड़े हुए हैं उन सबका सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय पाल सिंह पंवार है, मैं एक मचनेवी ऑफिसर हूं और मैं पिछले 4 वर्षों से एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट में अपने गांव के अंदर एरोमेटिक की खेती कर रहा हूं, और जहां पे हमने काफी प्लांटों को इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली ये सारे यूरोपियन हर्ब्स हैं जिनमें रोजमेरी, थाइम, ओरिगेनो, लैवेंडर, ब्लूबेरी, ग्लोबल फ्लावर, ग्लोबल आर्टिचॉक और कीवी की खेती कर रहे हैं। तो आज हम 4 वर्षों के बाद हमें इतना अनुभव हुआ है इससे और मार्केट में इतना सपोर्ट मिला है कि इतना हमें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि बेसिकली ये ग्लोबल मार्केट का प्रोडक्ट है और इससे हम कॉस्मेटिक से लेकर मेडिकल प्लस बायोवेक एग्रीमेंट कर रहे हैं हम कंपनियों के साथ, और जिसमें हमें काफ़ी फॉरेन कंपनी के साथ साथ कंपनी भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और हमने कोशिश यही करी है कि आज जो वापस अपने गांव आने का कि भाई सबसे पहले ये क्लियर करेंगे ये पलायन के रीजन क्या हैं। तो जो मुझे समझ में आया, या तो जंगली जानवरों का बहुत डर है यहाँ पे, या फिर हमें पंडित दीनदयाल